आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा विधायक रमाकांत यादव के भांजे की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग गांव में जमीन को पुलिस ने किया कुर्क। 67,74,000 रुपये की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को पुलिस ने किया है कुर्क। सपा विधायक रमाकांत यादव अपने भांजे के नाम से चला रहा था सरकारी ठेका। इसी ठेके से दारू पी कर के 14 लोगों की हुई थी मौत। उसी मामले में अब पुलिस ने लिया है बड़ा एक्शन। जल्द ही रमाकांत यादव के ऊपर भी होगी संपत्ति कुर्की कार्रवाई। और कितने लाख की संपत्ति कुर्क की गई? फरवरी में थाना क्षेत्र अहिरौला में घटना हुई थी जिसमें अवैध शराब की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मुख्य अनुज्ञापी रंगेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। आज 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी लगभग 68 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी को 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 भूखंडों को जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की बाजार की आज की कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। आगे भी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। आगे जाओ आप लोग। हम लोग।